आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में सभी का खैर मकदम किया जाता है। बैंगलोर शहर वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, 27 जनवरी 2023 जुमा के दिन कॉम्बैट वॉरियर्स फिजिकल फिटनेस एंड सेल्फ डिफेंस एजुकेशनल सेंटर की जानिब से एक प्रेस मीट रखी गई और ओपनिंग सेरेमनी परफॉर्मेंस भी की गई। बता दें कि गेस्ट ऑफ ऑनर पुलिस पर्सनल, सैंडलवुड स्टार्स, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और बॉलीवुड स्टार मीर सरवर ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की है और अपनी सोच को बताते हुए उन्होंने कुछ अनमोल अल्फाज भी कहे हैं। एक लोकल प्रोग्राम भी रखा गया है जिसके जरिए से सिटी और बॉलीवुड सैंडलवुड एक्टर्स को एक बेहतरीन मौका दिया जा रहा है, जिसके चलते बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, एक्सप्रेशन, स्टैंडिंग पोजीशंस, डाइट, ये सभी की ट्रेनिंग एक्टर्स ले सकते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए अपने आप को मेंटेन करके वो पब्लिक के लिए बेहतरीन हीरोज भी साबित हो सकते हैं। 35 साल के इस लंबे अरसे में कॉम्बैट वॉरियर्स ने बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स को ट्रेनिंग दी है, जैसे कि नंबर वन पोजीशन को हासिल किया है महाभारत के अर्जुन ने, और साथ ही साथ जनरल पब्लिक, इंडस्ट्रियलिस्ट, फैमिलीज, लेडीज, ये सभी इस ट्रेनिंग को हासिल करके इसका फायदा उठा सकते। अपने इस पैगाम को आवाम तक पहुंचाते हुए उन्होंने फिजिकल हेल्थ को एक बड़े मुकाम तक पहुंचाने का भी ऐलान किया, जिसमें ग्रैंड मास्टर MH आबिद, जो कि एक फेमस, मशहूर व मारूफ मार्शल आर्टिस्ट हैं, सेहतमंद इंसान यानी कि सेहतमंद और महफूज सोसाइटी, अपने इस बेहतरीन विजन पर और इस ज़बरदस्त सोच पर रोशनी डालते हुए MH आबिद सर ने अपने इस मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को बहुत सारी कंट्रीज तक पहुंचाया है, जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, USA, जर्मनी, लंदन, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, कोरिया, वियतनाम, चाइना और ईरान, और अब ये अपनी इस 4 डिकेट के बेहतरीन तजुर्बे को लेकर यहाँ बैंगलोर शहर में तशरीफ लाए हैं। ग्रैंड मास्टर MH आबिद सर की एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट प्रियंका BS इन्हीं के जेर निगरानी एक उम्दा इंस्ट्रक्टर का रोल प्ले कर रही हैं। ये कॉम्बैट वॉरियर्स और ट्यूशन प्लस की को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। वेलकम स्पीच के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। ग्रैंड मास्टर MH आबिद सर ने फिटनेस और हेल्थ की इम्पोर्टेंस बताते हुए एक हेल्दी सोसाइटी को कायम करने की भी बात कही। बता दें कि इनके ट्रेनिंग सेंटर में बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ कोर्सेस को खास करके गर्ल्स और वुमेंस के सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया गया है। ये कोर्सेज के जरिए से ट्रेनिंग हासिल करके लड़कियाँ डेंजरस सिचुएशन में, जैसे कि मोलेस्टेशन, छेड़छाड़, वॉयलेंस और टॉर्चर के वक्त, वो सभी ट्रेनिंग्स का इस्तेमाल करते हुए अपने आप की ये लड़कियां हिफाजत कर सकती हैं। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम के कुछ शॉर्ट हाइलाइट्स। विशेष शुभारंभ समारोह कार्यक्रम के साकष्टु जन मुख्य अतिथि कॉम्बैट वॉरियर्स तंडद परवागी प्रीतिय स्वागत सुस्वागत। कॉम्बैट वॉरियर्स मेकिंग हीरोज नम बेंगलूरिनल्लि ವಿಶೇಷವಾದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಸ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಅವರ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಫರ್ಟೇಬಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ productions female student to give her the award. She came in touch with Mr. Abid sir in the year 1992 when I was at Delhi Grace Civil Judge. I have 2 daughters. First time I thought of daughters, their female child should be very courage enough to face everything. Though I was a judge, I had all protections. I had a security, police protection, everything was there. Still it is for me, not my children. They must cultivate it. Then I thought of sending my elder daughter to this art class. She studied. She was very much interested. And I thought it's a very security job. It's a very good job. And she has gone to Malaysia also along with the Abhi sir. My second daughter also, thereafter she studied. What I thought is, I came to know
from you that it's a self-defense. Then I have to say what is self-defense. I being a judge, it is my duty to tell you self-defense is not for protect you. It is under law. It has got recognition in law. Section 106 of IPC says what is self-defense. Many offenses are there. For that, certain exceptions are there. Self-defense is one of the exceptions in case of any incident. In the sense, if anything happened by exercising self-defense, then it is not an offense. Immediately, to protect your property, protect your body. I will share a few words with you. Initially, when the civilization started, woman was confined to take care of the house and man was to fetch the food and earnings for the society, for the family. But over a period of time, they have been emancipated. Now today, women know abala Allah sabala. They can take care of themselves, and initially this martial arts will come in a big way. Earlier, as Abid said, we used to have heroes who are just namesake heroes, like to name a few, Rajendra Kumar and Kandaradalli. They were only made up heroes. But of late we have Salman Khan, Amir Khan, all these people who are six pack, Akshay Kumar and all these people. So for them, these things, courses will be very useful. Actually, when you talk of self-defense, it is a must. Everybody should know how to defend themselves. See, if you talk about ahimsa nalli kuda kelavaru kailagadaga ahimsa maartare. They are very incapable fellows. They just tolerate every atrocity. That is not ahimsa. A man who is capable of fighting back, if he is restraining himself, that is ahimsa. Ayogita nana ahimsa antheladu artha illa. Everybody should have courage and capacity to hit back. When you see something bad happening, you must be able to hit back. If you don't hit back, that is a mistake. It is said in the society, a man who commits crime, that is 100% bad. But a man who is a witness to that crime and who is not able to react, he is a bigger culprit than the fellow who is committing a crime. So people should know how to defend themselves. Then when the need arises, they must hit back. That is the thing. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮೆನ್ ಸರ್ವರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಹೀಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈನಿ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಬಿದ್ ಸರ್. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ವರ್ ಸರ್ ಟು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಟು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್? So this is the beauty of Namma Karnataka, sir. Mysore Peta, Shalu. And you look so stunning. So, in healthy. Who were trained by Abhid, sir. And it's actually an honor. I can say, like, you know, your teacher and my teacher are saying. So it is good, and I actually tell all the active friends, come over here and whatever they know is always good, but there's always room for improvement. So always keep on visiting Bangalore to meet up, to learn some new techniques, and looking forward to, for many more sessions and many more associations in future, inshallah. Visheshwada award announced maartta idare ee varshadella, that is Queen's Award. Aagle nama Abid sir maatartta iruvaga ee award in bage helidru. ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕೋಚ್ ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಫರ್ಹಾನ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಬಿದ್ ಸರ್. ಸೊ 2023 ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಫರ್ಹಾನ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕೋಚ್ ಪ್ರಿಯಾ ಆಸ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ವಾರಿಯರ್ ಕ್ವೀನ್ 2023. ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ
Queen of Combat Warriors 2023. Congratulations. Queen award to the Richa Gaur from Rajasthan. After she received award from our side, the government of India, the best 100 women they selected. And the government of India has given award. I hope this both lady will maybe get soon be the best 100 women awards from the government of India. And she also trained more than in Corona and before Corona, within 6 years, 7 lakh girls. And after that, Bollywood, India Today, and Sony Award, many awards they got, almost 100 awards got it. So I pray for both of them to be get, within a five, four coming years, to get 100 awards. So you just go and visit Richa Gaur from Rajasthan. More than 5 lakh girls they trained for self-defense. फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग और जो उसके बिना भी जो लोग हैं, ये सबके लिए एक खुशी का मकाम है, क्योंकि फिटनेस हर इंसान को चाहिए। फिटनेस चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, जितनी सेहत रहेगी, जितना सेहतमंद इंसान रहेगा उतना अच्छा है। और हाँ, हमारे लिए एक एडवांटेज ये है कि फिटनेस के अलावा हमें स्क्रीन पे और कॉन्फिडेंटली हम कुछ स्टंट ऐसे कर पाते हैं और ऑथेंटिक लगते हैं। क्या होता है कि कई बार अगर आप एक्ट कर रहे हो तो किसी और को रखना पड़ता है, ड्यूप को, और जब आप खुद ही एक्शन जानते हों या मार्शल आर्ट्स जानते हों या फिट हों, तो आप इन चीज़ों को मद्देनज़र, इनफैक्ट यू वॉन्ट बॉदर, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और मेरा ये मानना है कि हर इंसान को हर जगह से कहते हैं कि सुन्नत भी है, तो उसकी वजह यही है कि इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए अगर अच्छा है इन द लॉन्ग रन कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में काम आए। काफी अहम मूवी इसमें आपने काम किया और कितना जरूरी है कि इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग के लिए इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए खासतौर पर। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, स्पेशली हम एक्टर्स को के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा। और एक्टिंग फील्ड से वाबस्ता लोग जो हैं उनको ख़ास तौर पर ऐसी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा शेड्यूल बड़ा हेक्टिक होता है और न दिन न रात का पता होता है, और कई बार उससे हमारा खाना पीना डिस्टर्ब होता है, लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता है, सोना डिस्टर्ब होता है। सो इस वजह से ये है कि अगर हम अपनी इस ट्रेनिंग को बढ़ावा दें, बढ़ाएं, फिटनेस लेवल को ठीक कर लें, तो हम वी कैन एक्चुअली यू नो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक और उस शेड्यूल से निपट सकते हैं। अभी मेरी नेटफ्लिक्स पे मिशन मजनू फिल्म रिलीज हुई 20th को, और आज कल 26th को गदर 2 का फिल्म पोस्टर रिलीज हुआ है। आज एक और फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ है जो 3 मार्च को रिलीज होने वाले 1990, और आ रही हैं कुछ चीज़ें और। आबिद सर हमारे कोच रहे हैं, वो मास्टर रहे हैं, ग्रैंड मास्टर, और हमने 20 साल पहले से मैं इनको जानता हूँ। 2003 में मैं पहली बार इनके इनसे मिला था और मैंने पहला गोल्ड मेडल मुईथाई में लिया था, और उसके बाद से मैं रेगुलर इनसे मिलता रहा, ये दिल्ली आते रहे, हम साथ में रहते थे वहाँ पे, और काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला गेम के अलावा, एज अ पर्सन भी, एज अ ह्यूमन बींग भी बहुत कुछ सीखा है और बहुत सीखना बाकी है। और इट वॉज एन ऑनर टू बी हेयर और इस ओकेजन पे, इस मौके पे यहाँ पे आया, सो मैं फख्र महसूस करता हूँ। यूथ के लिए यही मैसेज है कि बस अपने फिटनेस के अलावा जो है कामयाबी का नशा करो और बाकी सब नशा मत करो। नमस्कार, नानु निम्म खलनायिका ज्ञानम बच्चन, निम्म खलनायक अल सिनिमा खलनायक। सो नानु इवत्तु ग्रैंड मास्टर MH आबिद सर और जो 5 वर्षदिंद नानु स्टूडेंट ಈ ಮೊಯ್ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಹೊಸದು ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಂಗೆ
आल सेलेब्रिटी नम कॉम्बैट वॉरियर्स बंद मुय थाई टेक्निक तुम कल्तकोत तम सिनेमागोस्कर तम वृत्ति जीवनकोस्कर कंप्लीट सेल्फ डिफेंस प्रतियो कल्त ना मुग्ता जय नानू अभी सर ईद वर्ष बिफोर एर वर्ष अरे वर्ष नन के मोयथाई ट्रेनिंग आगे मतलब मैसूर एर वर्ष शिष्यन तक बेंगलूर बंद ईद वर्षद मोयथाई चैंपियन चैंपियन अवार्डी नेक्स्ट अगर दिस इयर नमी सेंट्रल नमें स्पोर्ट्स इटा थाईलैंडली सो अली नमें स्पोर्ट्स आदमे नमें चैंपियनशिप अंदी प्रैक्टिस नमस्ते, मेरा नाम है अलीशा और मैं यहाँ कन्नड़ा और साउथ इंडियन मूवीज कर रही हूँ। मैंने अब तक 155 मूवीज किया है। आपको पूरा मेरा नाम और मैं भी मुझे पहचान रहेगा सब लोगों को। सो मैं यहाँ फिजिकल फिटनेस और सेल्फ डिफेंस एजुकेशन का प्रोग्राम के लिए आई थी। सो मेरा हिसाब से सेल्फ डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अब दिन के लिए। बिफोर दैट टेलिंग मेरा एक स्टेटमेंट है कि सेल्फ डिफेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इफ़ वी आर हैविंग अ स्ट्रांग स्टेट ऑफ माइंड, हमारा स्टेट ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग रहेगा तो वी कैन ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर सेल्फ डिफेंस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हाँ, मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ और मैंने अभी स्टार्ट किया है, आज से स्टार्ट किया रियली। मैं और ट्रेनिंग लूंगी और मैं फाइट्स वगैरह कर रही हूँ मूवी के लिए। सो फाइट्स आर डिफरेंट, फाइट्स बहुत डिफरेंट है और सेल्फ डिफेंस बहुत डिफरेंट चैप्टर है। सो यस, मैं अभी ट्रेनिंग ले रही हूँ। मैं आपको सब लोगों को बोलूंगी प्लीज आ जाओ और क्लासेस ज्वाइन करो और सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग ले लो, फिजिकल फिटनेस का ट्रेनिंग ले लो। अच्छा हेल्थ रहेगा तो भी अच्छा है, सेल्फ डिफेंस का नॉलेज रहेगा तो भी बहुत अच्छा है हमारा आगे के दिन के लिए। वी आर स्टैंडिंग इन 2023, सो लेट अस गिव एंड डिफेंस फॉर आवर सेल्फ। थैंक यू। लेडीज के लिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि लेडीज के लिए प्लीज बी स्ट्रांग इन माइंड। सेल्फ डिफेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, हमारा स्टेट ऑफ माइंड स्ट्रांग रहेगा तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा। सो वी शुड बी ऑलवेज स्ट्रांग फर्स्ट एंड देन स्टैंड फॉर गोइंग प्रैक्टिसिंग फॉर सेल्फ डिफेंस इज बहुत नेसेसिटी है। सो प्लीज एटलीस्ट ज्वाइन करो, एक दो क्लास ज्वाइन करो, उसमें टाइम चला नहीं जाएगा। तो हाउस वाइफ भी ट्राई कर सकते हैं। सो प्लीज ट्राई एंड कम फॉर द क्लासेस। हाय एल्रिगू, नमस्कार, नन हेसरु त्रिवेणी राज, बेसिकली ना एक्ट्रेस कम मॉडल। ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಥಿನ್, ಯುವರ್ ಪ್ಲಂಪಿ, ಯುವರ್ ಫಿಟ್, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅಭಿತ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎನಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಹೂ ಎವರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಿಟ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ವುಮೆನ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ಆಮ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಹಬಿಟ್ಸ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾರಿಯರ್. ನಾವು ಕೋವಿಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೇಟಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆದು ಇಂದ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಭಿದವರು 37 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ 8 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ವ್ಯಾನ್ ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ನಾನೊಬ್ಳೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ,
ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಏನಿಲ್ಲ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ATS ಇಂದ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೇಫಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅವರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈ ಇದಾರೆ ನಾಮ ಕಂಬ್ಯಾಟ್ ವಾರಿಯರ್ ಹೇ जो इंटरनेशनल लेवल पे इसका प्रोग्राम सेट किया गया है एक लोकल प्रोग्राम जो है सिटी के लिए और बॉलीवुड और सैंडलवुड एक्टर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका जो हम उनको दिए हैं कि बॉडी लैंग्वेज आई कांटेक्ट, एक्सप्रेशन स्टैंडिंग पोजीशन, डाइट कैसे नो अपने आप को मेंटेन करके पब्लिक के लिए वो एक जैसे उन्होंने इरादा करके आते हैं हीरो का वो इरादा उनका भरपूर हमारी बेसिक ट्रेनिंग से और इस काम से उनको हो जाता है तो अभी हमने जितने भी 35 ईयर से जितने भी डायरेक्टर्स को और बॉलीवुड एक्टर्स को हमने डायरेक्ट ट्रेन किए हैं वो नंबर वन पे पहुंचे हैं जैसे हमारे पास एक मिसाल है महाभारत अर्जुन तो आप जब सीरियल चला था तो रोना बंद हो जाते थे और टीवी की पूजा होती थी वैसे उन्होंने एक्टिंग की और बहुत सारे अच्छे अचीवमेंट्स आए इसी तरीके से हमने कम्बैट वॉरियर को बसंतगुड़ी में चुना है ये जगह सेंटर लोकेटेड है और मॉर्निंग 9 to 9 यानी यहाँ पे मूवमेंट होगा उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने इसको सेट किया है नॉट ओनली दैट फॉर द जनरल पब्लिक और इंडस्ट्रियलिस्ट और फैमिलीज के लिए भी और स्पेशली फॉर द वुमेन सेफ्टी के वास्ते जैसे हमारे जज साहब ने कहा राधा कृष्णा उल्ला ने एज एक्ट 106 द गवर्नमेंट हैज गिवन परमिशन टू लर्न दिस इज़ वेरी गुड फॉर आस टू ट्रेन एंड ऑल्सो द पब्लिक इसको इस्तेफादा उठा दिए तो वाकई उनके लिए एक ज़िंदगी के लिए मिसाल बन जा सकती अब जैसे यहाँ एक सेंटेंस है द हीरो मेकिंग सेंटर तो खाली एक हीरो मतलब हर चीज़ का हीरो है पढ़ाई में का भी हीरो है एक्टिंग का भी हीरो है बिजनेस का भी हीरो है नहीं हर एक चीज़ में उन्हें अपने आप को हीरो बन सकता है क्योंकि यहाँ वैसा बेस दिया जाता है जब ये बेस उसको मिल गया तो वो हर फील्ड में उन्हें कामयाबी हासिल कर सकता है और जब इसका ट्रेनिंग जो है जो इसके ख़ास रिसर्च करे हुए एक साइंस है वो जो एक्सरसाइज है वो ब्रीथिंग मूवमेंट है उससे उसके ब्रेन में जो डेवलपमेंट होता है उसकी मेमोरी में जो इजाफा होता है और उसके पास जो कॉन्फिडेंस आता है वो समझ के बाहर है क्योंकि हमने आपसे कहा था कि एक 10 साल पहले अब तक हमने 2.5 मिलियन को लोगों को ट्रेन किया लेकिन अभी तो तादाद इतनी हो गई कि पता ही नहीं चलता है कि कितने जनरेशन इससे इस्तेफादा उठा रहे हैं और कितने घना इसमें मास्टर्स बन के अपनी चला रहे हैं तो बहरहाल अभी हमारे को अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिट रखा है और हमारी टीम भी बड़ी अच्छी बनी है सारे हिंदुस्तान में और इस काम करने के लिए हम आगे हैं तो वो चाहिए ये कम्बैट वॉरियर एक ये है ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्रियंका मैनेजिंग डायरेक्टर है मैं डायरेक्टर जनरल हूँ और हम दोनों ने मिल के इसके ऊपर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है और साथ ही साथ ये भी प्रोजेक्ट है कि दुनिया के सारी दुनिया के लोगों को हम यहाँ लाने वाले हैं क्योंकि मैं कई लोगों का कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैं पायनियर मेंबर और एडवाइज़र हूँ जिससे रिलेटेड ओलंपिक से भी है और नॉन ओलंपिक से भी है जब ये लोग यहाँ मौजूद आएंगे और दुनिया के टॉप 10 फाइटर जैसे मोहम्मद अली किले था टाइसन था वैसे ही अलग अलग फील्ड के टॉप 10 फाइटर्स आएंगे हमारा मिनिमम एक इवेंट 5 घंटे का फ्यूचर में जो होने वाला है मिनिमम हमारा कास्ट हमने बनाया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1.25 करोड़ तो ये हमारा विजन है अभी यहाँ से स्टार्टअप है और इस सब चीज़ों को करने के लिए हमारा जो तजुर्बा है 50 साल मीडिया अगर हमारा साथ दिया और हमको प्रमोट करने आगे आया और हमारी बातों को या हमारे काम को अगर वो लोग उजागर करे तो 100% हमारी सोसाइटी और नेशन को फ़ायदा पहुंच सकता यही मकसद है यही मकसद है अगर फायदा पहुंचाना मकसद फायदा पहुंचाना मकसद स्टार हैं सेलिब्रिटीज़ हैं
उनकी फिटनेस के साथ साथ लोगों की आम लोगों की फिटनेस के सिलसिले में भी हाँ कोर्स शुरू किया, कोर्स शुरू किया और फिर अवे फ्रॉम द बैड हैबिट एंटी ड्रग्स, ये एक बहुत बड़ा इशू है और सक्सेस हुए हैं और सक्सेस हो रहे भी हैं। मैं आपका कहना है कि आज के जो हालात हैं उसके पेश नज़र इस तरह की तबियत हर शख्स को लेनी चाहिए, हर शख्स को लेना चाहिए, अपनी कंट्री के लिए खड़े होना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं काम कर रहा हूँ, मैं कंट्री के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा हर लम्हा हर वक्त कंट्री के लिए, मैंने कंट्री को खड़ा किया है, सारी दुनिया को मैंने रिप्रेजेंट किया है और वहाँ अपनी कंट्री के वैल्यू को बढ़ाया है, मेरी वैल्यू नहीं बढ़ाया हिंदुस्तान की। तो हमारा काम है कि यह हम काम करें और इसी तरीके से हर नागरिक हिंदुस्तान का ऐसा होता है कि हम अपने लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम नहीं खड़े हैं, हम हमारी कंट्री के लिए खड़े हैं। ये मेरा फिट रहना जरूरी है हर हालात में, हमारा हर आदमी चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे आर्टिस्ट हो चाहे वो कोई भी हो, वो एक वक्त पे अगर आवाज़ दी तो हमारी कंट्री के लिए खड़े होना है हर हालात को फेस करने के लिए, हर हालात का मुकाबला करने के लिए, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो चाहे वो आईटी फील्ड हो चाहे वो वार की फील्ड हो या किसी चीज़ की भी फील्ड हो, हमको खड़ा होना है और होंगे। हम सिर्फ कंट्री के लिए है, हम वॉरियर है हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री को हिफाजत करना हर नागरिक का फर्ज है। मेरी पूरी टीम जितनी भी है एथलीट और कोचेस, वी आर रेडी टू हेल्प आवर कंट्री। फीसेस वगैरह कैसे हैं सर? फीसेस बहुत ही नॉर्मल, हाँ बहुत ही नॉर्मल फीस रखे हैं, सब एफोर्डेबल है, सबके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे को रेवेन्यू आया तो हम आगे इसको चला सकते हैं, अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो फैकल्टीज़ को जो देखना पड़ता है उसको रिकवर करने के लिए ऐसे ही नॉर्मल एक फीस को रखा है, लिया जाएगा।